of all, thank Coconut Productions very much for putting me on. We are through Coconut Production and they are presenting Chai Vai or Rangmanch. तो मैं आया हूँ अपने रंगमंच की बातें करने के लिए आपके साथ. एक्टिंग तो एक्टिंग का कीड़ा बहुत पहले से था मुझे. आई मीन जब फोर्थ स्टैंडर्ड में था तब से है और अब तक रहा है और आगे भी रहेगा. वेल दरअसल प्रोफेशनल एक्टिंग मैंने बहुत दिनों पहले प्रोफेशनल एक्टिंग तो मुझे पता ही नहीं था कि प्रोफेशनल एक्टिंग क्या होती है, वैसा ही कोई मंच है या नहीं है. एंड आई विल स्टार्ट फ्रॉम 1974 में मेरा आई पास्ड एसएससी और आई बिलोंग टू अ फैमिली ऑफ डॉक्टर्स. हर कोई डॉक्टर है. आई मीन मम्मी की साइड पे सारे तीनों तीन मामा डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर्स थे. और अभी जो है मेरे पिताजी भी डॉक्टर है, मेरी सिस्टर्स भी डॉक्टर. एवरीबडी वॉज अ डॉक्टर एंड दे वर ऑल लुकिंग एट मी सेइंग कि हाँ भैया किस डायरेक्शन में जा रहे हो आप. मैंने कहा देखो ये पढ़ाई पढ़ाई का चक्कर तो हमसे नहीं हो पाएगा, वो अच्छा है कि मैं अपनी तरह से अपना रास्ता ढूंढ लूंगा, प्लीज आप मेरी चिंता ना करें, मुझे छोड़ दें. तो उन्होंने छोड़ दिया और मैंने कुछ आई हैड गॉट एसएससी पास होने पर आई थिंक 62% या ऐसा कुछ मिला था और मैं चला गया सीधा जैन कॉलेज में एडमिशन लेने. जैन कॉलेज में एडमिशन लिया तो वहाँ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज फॉर्म पे भरा जाता है. यू नो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में आप क्या क्या करते हैं. तो मैंने एक्टिंग भी लिख दिया साथ में जोश में आके. और हमारे असिस्टेंट प्रिंसिपल थे गिडवानी साहब, उन्होंने कहा कि भैया ठीक है चलो एक्टिंग करके दिखाओ. मैंने कहा सर ऐसे थोड़ी एक्टिंग होती है, आई मीन उसके लिए तो एक स्क्रिप्ट होती है, सारी चीज़ें होती है और उसको आई मीन सोचने के बाद, थोड़ा सा समझने के बाद, थोड़ी लाइंस वाइंस रिहर्स करने के बाद एक्टिंग होती है ना. ठीक है एडमिशन ग्रांटेड, बट आपको जो है वो कॉलेज के सारे इंटर कॉलेज ड्रामा कॉम्पिटिशन्स और इंटर क्लास कॉम्पिटिशन्स में भाग लेना पड़ेगा. मैंने कहा डन सर, आई विल डू इट. और फिर फर्स्ट ईयर में मैंने इप्टा कंपटीशन में पार्ट लिया था, जहाँ इंटर कॉलेजिएट कॉम्पिटिशन में, जहाँ बहुत याद तो नहीं है लेकिन आई थिंक आई हैड वन द कॉन्सोलेशन प्राइज. सेकेंड ईयर में आई अगेन टुक पार्ट इन इप्टा कंपटीशन एंड आई ऑल्सो टुक पार्ट इन द कॉम्पिटिशन विच INT होल्स, इंडियन नेशनल थिएटर. इंडियन नेशनल थिएटर वॉज अ प्रीमियम इंस्टीट्यूशन ड्यूरिंग दैट टाइम. वो एक जगह थी जो मुझे बाद में समझ में आया कि क्या है ये जगह, क्या है ये इंस्टीट्यूट, क्या है. तो इसके बारे में मैं बताता हूँ थोड़ा सा स्प्रेड करते हैं बात को. और मजे की बात ये थी कि मैं अपने प्रीलिम्स के लिए पढ़ रहा था वहाँ पे और यही सोचा था कि कोई अच्छा सा जॉब पकड़ लूंगा या कुछ कर लूंगा, लेकिन ये डॉक्टरी तो नहीं करनी है मुझे. तो पढ़ता रहा लेकिन हमारे वहाँ एक दोस्त है जो मुझे मिल गए, मिस्टर सुरेश रायडा, जो मुझे कहने लगे कि यार यहाँ शाम को इंडियन नेशनल थिएटर का की रिहर्सल्स होती है, उनके नए प्ले की रिहर्सल्स चल रही है और क्या वुड यू लाइक टू एक्ट. प्ले में एक्ट करूंगा लेकिन इस वक्त मेरे पास पैसे वैसे नहीं है, क्योंकि कॉलेज के टाइम में तो हम पैसे डालने पड़ते थे ना प्ले में काम करने के लिए, क्योंकि जब भी हम पार्ट लेते थे तो कॉलेज कोई पैसा नहीं देता था. वी हैड टू पुट इन आवर ओन मनी. हम अपने किसी दोस्त को वो डायरेक्टर बना लिया, किसी को हमने लाइट मैन बना लिया, किसी कहीं से म्यूजिक चुरा उरा के सारा जोड़ जाड़ के उस वक्त नाटक हुआ करता था. तो इस तरह से तो पहली बार मैं जिंदगी में अपने दोस्त, अपने यार, मेरे मेंटोर से मिला, लेट श्री प्रवीण जोशी साहब से. ही वॉज वन ऑफ द थेस्पियंस ऑफ इंडियन नेशनल थिएटर, वन ऑफ द पिलर्स ऑफ इंडियन नेशनल थिएटर. वो और सरिता बहन, आई मीन हम उन्हें बहन कहते हैं लेकिन मिसेस सरिता जोशी, हु इज वन ऑफ द रेसिपियंट्स ऑफ दिस टाइम्स पद्मश्री. And she also is a fantastic person, fantastic actress. उनके साथ मैंने बहुत सारे plays किए और ये यहाँ से सफर मेरा शुरू हुआ. तो मैं प्रवीण भाई से पहली बार मिलने गया और उन्होंने कहा हाँ आओ बैठो. पहले तो कुछ बिठाया, बातें बातें नहीं की उन्होंने, बैठो बैठो आई टॉक टू यू.
मुझे लगा कि क्या बात है, कुछ है होने वाला है या नहीं, नहीं तो मैं ऊपर पढ़ने चला जाता हूँ, ऐसे मैंने सुरेश को बोला। बोले नहीं नहीं बैठो बैठो, वो बुलाएंगे, तुमसे बात करेंगे। फिर पैकअप हुआ और प्रेम भाई ने बोला कि आओ बैठो, क्या नाम है तुम्हारा? मैंने कहा टीकू, टीकू तलसानिया। अच्छा टीकू, दैट्स अ फनी नेम। ऐसे क्या, दैट्स माय नेम। खैर फिर उनसे ये बात हुई कि भाई अभी देखो आप प्रोफेशनल थिएटर में हैं, अगर आप यहाँ काम करोगे तो यू विल बी इन प्रोफेशनल थिएटर। आई सेड ओ वाओ, प्रोफेशनल थिएटर, व्हाट डज दैट मीन? आई मीन आई डिडंट नो आल्सो व्हाट इट मीन दैट टाइम। ही सेज दैट इंडियन नेशनल थिएटर इज अ प्रीमियर इंस्टीट्यूशन एंड वी आर हैविंग थ्री विंग्स, द पारसी विंग, द मराठी विंग एंड गुजराती विंग। अब गुजराती विंग में आप हमारे साथ काम करोगे हमारे प्लेस में, और बात यह है कि हम 3 महीने के लिए, लाइक आई थिंक नवंबर दिसंबर जनवरी हम बाहर रहते हैं गुजरात में। तो मन का मर गए, अब तो फिर कॉलेज का क्या होगा सर? तो बोले कोई बात नहीं, कुछ कर लेना जुगाड़, कोई जुगाड़ कर लेना। मन का जुगाड़ तो सर वो अटेंडेंस तो देनी पड़ेगी, विदाउट अटेंडेंस तो कैसे होगा? बोले कुछ होगा, डोंट वरी, बाय द वे हाउ मच मनी विल यू टेक? एंड आई वाज जैप्ड। मनी? आई मीन आई गेट पेड फॉर द एक्टिंग आई डू। हाउ मच मनी विल यू टेक? दिस इज प्रोफेशनल थिएटर। तो मैंने कहा सर, अब उस वक्त तो दिमाग चल नहीं रहा था, मन में लड्डू फूट रहे थे, लेकिन फिर सोचा कि क्या करूं क्या कहूं, और पता नहीं एक दिमाग में होता ना लड्डू फूटा। और एक मैंने कहा जो आप दूसरों को दे रहे हैं आप मुझे दीजिएगा। बोले ठीक है, 25 रुपये पर नाइट मिलेगी, आई मीन 25 रुपये की नाइट मिलेगी, दैट विल बी आई मीन 25 रुपीज पर शो आपको मिलेगा। और मैंने कहा सर ये गुजरात जो आप जाओगे तो टिकट विकेट के पैसे मेरे पास नहीं है, मैं नहीं निकाल पाऊंगा। तो इसे नो नो नो, टिकट के पैसे भी हम देंगे, आपके लॉजिंग बोर्डिंग का खर्चा भी हम देंगे, आपके यहाँ तक कि कपड़े के वॉशिंग के पैसे भी हम देंगे, हम सब कुछ, हम वील टेक केयर ऑफ एवरीथिंग, यू जस्ट हैव टू बी अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द प्ले। आई सेड वाह दैट्स ग्रेट। शाम को घर पे पहुंचा तो मम्मी दरवाजे पे राह देख रही थी मेरी, और कहने लगी क्या हुआ इतनी देर से क्यों आया? तो उनका आज बहुत कमाल का एक इंसिडेंट हो गया हमारी जिंदगी में, आई एम गोइंग टू बी एक्टिंग इन प्रोफेशनल प्लेस फ्रॉम नाउ ऑन। एक एंड फ्रॉम दैट डे ऑन इट इज सच अ ब्यूटिफुल जर्नी। आई मीन इतने खूबसूरत लोगों से मैं मिला हूँ, इतने खूबसूरत प्लेस किए हैं मैंने, और बहुत ही मजे किए हैं। और बस उन्हीं मजों में से कुछ कुछ इंसिडेंट्स जैसे मुझे याद आते जाएंगे मैं आपको बताता रहूंगा। अब ये हुआ कि रिहर्सल शुरू हो गई वहां पे, और उस प्ले में द नेम ऑफ द प्ले वॉज शरत द विजिट। द विजिट वॉज अ आई थिंक अ पुलित्जर प्राइज विनर, ड्यूरेंट मार्ट साहब ने लिखा था, और इतने खूबसूरत लोग थे उसमें। आई मीन मैं तो पागल पागल सा हो गया था, क्योंकि बहुत सारे लोग, देयर वर 52 एक्टर्स, 52 एक्टर्स इन दैट प्ले एंड आई वाज वन ऑफ देम। एंड द सेट्स वर डिजाइंड बाय द ग्रेट मिस्टर, आई डोंट नो व्हाई व्हाई दैट नेम इज लीविंग मी, वो आ जाएगा, नाम याद आएगा मैं आपको बताऊंगा। द सेट वाज सो ब्यूटीफुली डिजाइंड, एक तरफ ये थे क्या कहते हैं, एक तरफ टाउन हॉल था, बीच में हवेली थी, और इस तरफ पूरा यू नो एक घर था, और स्टेज हमने आगे की 2 रोज पूरी ले ली थी। एंड सच अ ब्यूटीफुल टाइम वी हैड, एंड इट वाज बिगनिंग की 4-5 लाइनें थी, और कुछ गांव वाले थे, और गांव वालों में मेरा, मैं भी एक गांव वाला था, लाइन में हमको खड़ा कर दिया जाता था मेकअप के टाइम। दादा जो है वो कुछ तिलक यहाँ करते थे, और फिर मिरर पे तिलक करते थे, और फिर मूछे यूं बड़ी बड़ी मूछे लगती थी, और स्टेज पे जाते थे। और मैं, मुझे याद है कि पहली बार जब हम वहाँ अहमदाबाद पहुंचे, और अहमदाबाद के थिएटर में हमारा शो था, जयशंकर सुंदरी में हम परफॉर्म कर रहे थे, तब वो जैसे शुरू हुआ, और पेट में जो बटरफ्लाई शुरू हुई, और मैं पहली लाइन थोड़ा सा हड़बड़ाया, लेकिन जैसे वो पहली लाइन निकल गई उसके बाद राजा बन गया।
राजा इन द सेंस कि सारी लाइनें सही निकली, कॉन्फिडेंटली निकली और सब सही हुआ। और पहले शो के बाद हमारे INT में एक रस्म होती है कि पहले शो के बाद एक बहुत बड़ी पार्टी होती है, और पार्टी के अंदर प्रवीण मैंने कहा, अरे भाई यार तूने बहुत अच्छा किया, और बस इतना ही सुनना था, और तब से जो मजे ही मजे हैं। और फिर वो प्ले, उस प्ले के हमने कुछ करीबन 50 50 शोज किए, 50 शोज। और उस टाइम शोज जो थे वो सिर्फ संडे पे हुआ करते थे, और एक 3:30 बजे का शो हुआ करता था, और एक शाम को 6:30 बजे का या 7:30 बजे का शो हुआ करता था। उसमें उनको 2500 रुपये मिलते थे, और उस उन पैसों को बचाकर साहब मैंने ये रिंग खरीदी उस जमाने की है, और वो ये मेरी प्लेजेंट यादें हैं। उसके बाद तो प्रवीण भाई ने कहा कि बेटा देखो एक काम करते हैं, जिस प्ले में तुम्हारा रोल नहीं है उसमें तुम बैक स्टेज करो, सीखो, लाइटिंग सीखो, म्यूजिक सीखो, कैसे कैसे हम क्या क्या करते हैं ये सब सीखो। और फिर उन्होंने एक प्ले किया जिसका नाम था साहिबो मारो गुलाब नो छोड़, गुजराती में था सारा। मेरी इंट्रोडक्शन जो है इनटू प्रोफेशनल थिएटर थ्रू गुजराती थिएटर से ही हुई है, और इसी गुजराती थिएटर की वजह से मुझे बहुत सारी चीजें मिली, बहुत सारी मीन्स ये घर मिला, बीवी मिली, बच्चे मिले, सब कुछ इसी से हुआ, इसी थिएटर से हुआ, यहीं से मेरा ग्रोथ हुआ और यहीं से सब कुछ हुआ। और जो कुछ भी जब रोल नहीं होता था तब हम बैक स्टेज करते थे। और बैक स्टेज से एक बहुत कमाल की बात याद आ गई, हम एक प्ले कर रहे थे थैंक यू मिस्टर ग्लाड, और उसमें मैं बैक स्टेज कर रहा था, और प्रवीण भाई की एक बात थी कि उनको जो है वो नकली फूल कभी पसंद ही नहीं थे, नकली फूल मेरे स्टेज पे आएंगे नहीं, स्टेज पे जब भी फूल लगेगा कोई भी सीन के लिए तो वो फूल जो हैं वो ओरिजिनल होंगे, आई मीन दे हैव टू बी रियल, दे कैन नॉट बी आर्टिफिशियल। तो प्लास्टिक फूलों की तो गुंजाइश ही नहीं थी, और 10 रुपये मिलते थे, 10 रुपये मिलते थे फूल खरीदने के लिए। और उस जमाने में पुष्पा मिलन हुआ करता था, आई थिंक टॉक ऑफ द टाउन के पास, और दूसरा कोई एक एक फूल की दुकान यहाँ वार्डन रोड पे हुआ करती थी, और वहां से मैं जाके उन लोगों को बताता था कि भैया देखो 10 रुपये का है, 6 अलग किस्म के फूल चाहिए मुझे, और क्योंकि 3 सीन्स है, और ये मैं किसी को देने के लिए, किसी को गिफ्ट करने के लिए नहीं ले जा रहा हूँ, मैं कलाकार हूँ, नाटक का कलाकार हूँ, और नाटक में ये फूल इस्तेमाल होंगे, तो प्लीज मेरे पास 10 रुपये का ही बजट है, इसमें जितने फूल आप मुझे दे सकते हो आप दे दो। तो पहली बार जो हुआ कि लोगों ने वहां से दोस्ती फूल वालों से शुरू हो गई, और बड़े प्यारे लोग मिले वहां से। 10 रुपये में दुकानदार बोलता था कि अच्छा ठीक है, वहां वो बकेट में जितने फूल हैं आपको जितने चाहिए उतने आप ले लो, और मैं भी एज एन ऑनेस्ट पर्सन आई ओनली टुक व्हाट आई रिक्वायर्ड फॉर द सीन, ज्यादा फूल कभी मैंने लिए ही नहीं, और वो दोस्तियां कायम रही। और मुझे याद है, हाँ तो मैं बात कर रहा था थैंक यू मिस्टर ग्लाड की। थैंक यू मिस्टर ग्लाड में हमें फूलों की रिक्वायरमेंट थी कि हमें खिले हुए गुलाब भी चाहिए थे और कलियां भी चाहिए थी। अब गुलाब अब राजकोट में शो था, और राजकोट में फिर फूल मिले तो पूरा ऐसा खिला हुआ, पूरा ऐसा खिला हुआ, और कली उसको कैसे बनाए क्या करें, हम तो बहुत ही टेंशन में आ गए थे। तो पहले तो ये किया कि सारी पंखुड़ियों को मिलाकर ऐसे टेप चिपकाई, और फिर मन का ये चलेगा सर, और जैसे बता नहीं गया तो फूल जो है पंखुड़ियां ऊपर से लुढ़क गई, नीचे गिर गए, मैं कहा मर गए। और प्रवीण भाई ने कहा था कि नो आर्टिफिशियल फ्लावर्स, तो अब क्या करें क्या करें। राजकोट में पूरा राजकोट छान मारा मैंने, और मेरा दोस्त था पंकज शाह करके जो मेरे साथ बैक स्टेज किया करता था, पूरा राजकोट छान मारा, लेकिन कहीं पे वो कलियां और गुलाब ना मिले। अब दिमाग चलाया कि क्या करें क्या करें क्या करें, फिर एक रिक्शा वाले को पूछा आपने कि भैया यहाँ पे गुलाब चाहिए हमको, वो प्ले के लिए लेने हैं, और मैं हमेशा एज अ गुड सिटीजन आई यूज टू ऑलवेज टेल द एंटायर स्टोरी फर्स्ट, हर बार कह देता था कि भैया बैक स्टेज करते हैं और ये प्ले है हमारा, और चाहे तो आपको सीट भी दे देंगे, आप आके देख लो हम आपके फूल कैसे इस्तेमाल करते हैं।
तो ये बात हर एक को मैं बताता था। वैसे मैंने रिक्शा वाले को बताया कि भैया फूल चाहिए और रिक्वायरमेंट ये है, तो कहाँ मिलेंगे गुलाब अच्छे, एक यू नो ऑर्किड टाइप के, और ये कलियां कहाँ मिलेंगी। तो उसने कहा ऐसे तो साहब यहाँ पे इस तरह के गुलाब तो नहीं मिलेंगे। लेकिन मुझे याद है मैं एक कस्टमर को छोड़ने गया था, तो जिस बंगले में मैं गया था ना उनको छोड़ने के लिए, वहां पे बहुत सारे कुंडे थे जिसमें गुलाब थे, गुलाबी गुलाब थे। तो मैं आपको वहां ले चलता हूँ, आप उनके मालिक से बात कीजिए और शायद अगर उनको यू नो अगर वो आपको दे तो आपकी बात बन जाए, तो आपका काम हो जाएगा। उनका अरे भगवान तुम्हारा भला करे भाई, चलो जल्दी ले चलो। वहां गए तो लकीली उसके पहले हमारा एक शो था राम मीनानु रामायण, जो वो बंगले वाले जो थे वो देख चुके थे। तो जैसे हमने मैं उनके गेट पर पहुंचा तो उन्होंने कहा अरे आइए आइए, कल ही आपका प्ले देखा, बहुत मजा आया, कहिए यहाँ कैसे आना हुआ। मैंने कहा हमको फूल चाहिए और आपके, और मैंने मेरी जिंदगी में इतने सारे गुलाब नहीं देखे थे। वो कहते हैं ना कि देने वाला जब देता है तो छप्पर पा के देता है, इतने सारे गुलाब थे। वाज अ वैरायटी ऑफ ऑलमोस्ट 450 काइंड्स ऑफ रोज़, रोज़ेस, इतने सारे रोज़ेस, इतने खूबसूरत। बोले आपको जो चाहिए आप ले लो। और एक बतख वेल देखी मैंने जिंदगी में, पहली बार ऐसा फूल देखा, ऐसी वेल देखी, गुलाब की वेल देखी, गुलाब की वेल मैंने कभी देखी नहीं थी, गुलाब की वेल देखी। मैं कहा कमाल है यार, ये कुदरत है। आई मीन ये मुझे लगता है सही दिल से सही चीज को जब आप सोचते हो ना तो वो जाती है। अब फूल लेकर हम आए और प्रवीण मेरे को तो फुल कॉन्फिडेंस था कि ये तो गए भैया खाली हाथ ही गए थे, खाली हाथ वापस आने वाले, और फूल देखकर एकदम शॉक्ड हो गए। बोले अरे ये कहाँ से लेकर आए तुम। मैंने कहा भैया नेक्स्ट कल के शो, आज के शो के बाद कल शाम को चाय पे बुलाया है और यहाँ यहाँ हमें जाना है, और मैं आपको एक दिखा रहा हूँ, इतने सारे गुलाब आपकी जिंदगी में आपने नहीं देखे होंगे। बोले क्या बात करता है, यूज टू प्यार से टिकिया कहते थे मुझे। बोले टिकिया यार कमाल है यार, तुमने तो कमाल कर दिया सर। और प्लेन लाइन थी, हीरोइन जो है वो मिस्टर ग्लाड, ग्लाड तो प्रवीण भाई थे, तो उसको कहती है कि उनको कहती है कि कमाल करते हो मिस्टर ग्लाड, यानी खिले हुए गुलाब सारे आपने रख लिए और कलियां सब मुझे दे दी। तो उस वक्त ग्लाड साहब बोलते हैं, दिस वाज द लाइन फॉर व्हिच वी नीडेड दोज रोजेस। आप देखिए ग्लाड साहब बोलते हैं कि जो करमाने वाले थे वो मैंने रख लिए और जो खिलने वाले हैं मैंने तुम्हें दे दिए। तो ये लाइन थी, ये जज्बा था उस लाइन का, जिसकी वजह से गुलाब ढूंढने के लिए हम कहां से कहां पहुंचे। तो ये ऐसी खूबसूरत बातें मैं आपको बताता रहूंगा। फिर नेक्स्ट प्ले जो मैंने किया वो था साहिब गुलाब नो छोड़, जिसमें मैं सरिता बहन के ऑपोजिट था, मैं उनके हस्बैंड का रोल कर रहा था। कैन यू इमेजिन माय वेरी सेकंड प्ले एंड आई एम प्लेइंग हर हस्बैंड। ओह मैं तो वो कहते हैं ना कि मुंह में सारी चीजें, हालत खराब थी, बहुत खराब थी, और सोच रहा था कि क्या करूंगा कैसे करूंगा। और रिहर्सल्स हमारी जो थी वो अहमदाबाद में थी, और जिंदगी में पहली बार मेरे लिए यू नो एज एन एक्टर सूट सिला हुआ था, और सूट पहनकर मैं तो सुबह से मेकअप वेकअप करके बैठ गया था 9 बजे से, और ग्रैंड रिहर्सल्स शुरू हुई। फिर ग्रैंड रिहर्सल्स में आप तो जानते ही हैं कि यू नो किस तरह लाइटिंग होती है, एक एक्ट को बार बार दोहराया जाता है, उसकी म्यूजिक सेटिंग होती है, सारी चीज़ें होती हैं क्यूज पे आने के लिए, इस पे आने के लिए, आई मीन लाइट्स को क्यूज पे आने के लिए, यू नो ऑल दैट हैपन्स। तो मेरी जो रिहर्सल शुरू हुई रात के 9 बजे, मैं सुबह 9 बजे से बैठा हुआ था एकदम तैयार होके कि अब मेरी बारी आएगी, अब मेरी बारी आएगी। मेरी बारी आई रात को 9 बजे, 9 बजे आई तो थक गया था, पूरा दिन बैठा हुआ था, खाया पिया सब कुछ किया, लेकिन बहुत देर से आई मीन ऐसे ही बैठा हुआ था। तो वो होता है ना कि बिफोर द शो जो एक गड़बड़ होती है, वो गड़बड़ हुई और रिहर्सल के दरम्यान मैं सारी लाइनें भूल गया। I forgot my entire, all what I had to say. मैं एकदम भूल गया। और प्रवीण भाई कहने लगे यार मैं ऐसे कभी अपनी लाइनें पक्की नहीं करता हूँ, तो आज तुम्हारी वजह से मैं अपनी सारी लाइन्स याद करके आया हूँ और तुम यार लाइन सारी भूल गए, क्या कर रहे हो यार, कल शो है, क्या कर रहे हो। कहा सर कुछ नहीं, बस वो ये सुबह से
बैठा हुआ हूँ और ये कोर्ट में थोड़ा सा मुझे वो हो रहा है, तो कोई बात नहीं कोई बात नहीं, इट्स ओके, वी विल नॉट डू द रिहर्सल्स, वी विल डू इट डायरेक्टली ऑन द शो, एंड बिलीव यू इन मी, मेरी जो हालत हुई थी रात को घर वापस जब लौटे, जहाँ पे हम रह रहे थे वहां पे हमने लाइंस फिर से बोलना शुरू कर दिया, तो बोले सब तो लाइंस तुम्हें याद है, फटाफट आ रहा है सब। उनका नहीं सर, वो थोड़ा सा आई वाज अ लिटिल नर्वस, आई वाज अ लिटिल टेंस, जिसकी वजह से वो सारी चीजें निकल गई, और डोंट वरी शो में ऐसी ऐसा ऐसी कोई गड़बड़ नहीं होगी, एंड बिलीव मी शो में कोई गड़बड़ नहीं हुई, पहला शो ऐसा निकला। और उन्होंने आके मुझे गले लगा लिया, मुझे कहा कि वाह मजा आ गया दोस्त, अच्छा काम किया तुमने। और उसी का शो, उसी प्ले का शो जब मुझे याद है तेजपाल में हुआ था, यानी हम अहमदाबाद से वापस आते थे और तेजपाल में जब पहला शो हुआ था तब यूसुफ साहब आए थे देखने के लिए, दिलीप कुमार साहब, हमारा तो कलेजा मुंह में था, क्या करें कैसे करें। मैंने बोला वो सोचो मत, दिस इज द फोर्थ वॉल, वो फोर्थ वॉल पे बैठे हुए हैं, उस तरफ बैठे हुए हैं, तो फोर्थ वॉल तो हमारे लिए स्टेज में, तो दीज आर द थ्री वॉल्स एंड द ऑडियंस इज द फोर्थ वॉल, सो वी हैव द बियॉन्ड द फोर्थ वॉल यू कैन सी एनीथिंग, सो डू इट, परफॉर्म, मजे करो। और साहब मैं बस मजे करता रहा, एंड आप यकीन नहीं करेंगे कि शो खत्म होने के बाद यूसुफ साहब स्टेज पर आए और पूरी भीड़ ऐसे इकट्ठा हो गई उनके आसपास इर्द गिर्द, और मैं थोड़ा सा पीछे था, अरे भाई वो कहाँ है, वो जो सरिता का हस्बैंड प्ले कर रहा था वो कहाँ है, अरे आओ 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 भाई आओ। और उन्होंने मेरा हैंडशेक, मेरा हाथ पकड़ा और वो अपने दोनों हाथों से सराहा, और उन्होंने कहा बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छा काम किया आपने। एंड मेरे तो, मैं कहता हूँ ना, रोंगटे खड़े हो गए थे उस बार, उस वक्त तो, और समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या बोलूं, थैंक यू सर करके मैं तो पीछे हट गया। यूसुफ साहब प्रवीण भाई के बहुत अच्छे दोस्त थे और वो हमारे प्लेस कभी कभार देखने आया करते थे, और बेसिकली दे वर प्लानिंग अ फिल्म आल्सो टू डू रैंस डॉटर, रैंस डॉटर को यू नो हिंदी वर्जन में अडेप्ट करना चाहते थे, तो ये खूबसूरत बातें हैं। और फिर थिएटर से बीवी, आई मीन पहली बार जो है वो इश्किश हुआ, प्यार हुआ, शादी हुई, बच्चे हुए, और थिएटर ही एक ऐसी जगह है जो जिसकी वजह से मैं पूरी दुनिया घूमा हूँ, जिसकी वजह से ये घर खरीदा है, जिसकी वजह से मैंने गाड़ी खरीदी है। और कोई भी अगर ये कहता है कि थिएटर पे आदमी कैसे नप सकता है, तो मैं कहता हूं कि अगर सच्ची लगन और सच्ची मेहनत से अगर आप काम करते रहोगे तो रंगमंच आपकी सारी जरूरतें पूरी कर देगा। इनफैक्ट आई रिमेम्बर प्रवीण भाई ने मुझे कहा था कि बेटा अब तुम एक्टर हो, अब तुम्हें खाने पीने की सोचने की जरूरत ही नहीं है, जहां जाओगे मिल जाएगा, अब तुम सिर्फ अपने एक्टिंग पे ध्यान दो। और वाकई में कहीं पे भी मुझे मेहनत करने की जरूरत नहीं मिली, आई वॉज ऑलवेज कहीं पे भी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ी मुझे, मैं आई वॉज एट द राइट टाइम एट द राइट प्लेस, और चीजें बदती गई और कारवां जुड़ता गया और मैं आगे बढ़ता गया, और इसी तरह खूबसूरत लोगों से मिलता गया। और प्रवीण भाई के साथ ये जो एक एक सीखने मिला सारा, स्टेज पे किस तरह से खड़े रहते हैं, कि वो हमेशा कहते थे कि स्टेज पर जैसे एंट्री लो ना तो ऑडियंस की नजर आप पे होनी चाहिए, बाकी सब जो है वो उनको जो करना है उनको करने दो, तुम अपना करो, अपना मत छोड़, अपना जो करना है वो ही करो, और देखो ऑडियंस पूरी तुम्हारी तरफ ही होनी चाहिए और किसी की तरफ नहीं। बस ये सारी बातें जो है वो दिमाग पे चलती रहती थी, और वो कहते थे कि यू सी यू हैव टू डिवाइड योर सेल्फ इन एंड थिंक अबाउट समथिंग, थिंक अबाउट द कैरेक्टर दैट यू वुड लाइक टू डू एंड डू इट एंड गो ऑल आउट, एंड भाई जो आई डिड इट, एंड ही सेड गिव लाइफ टू द लाइंस, द लाइंस आर देयर बट गिव लाइफ टू देम, यू नो, एंड रिएक्ट, एक्टिंग इज नथिंग बट रिएक्टिंग, यू रिएक्ट। और ये सारी बातें ऐसे दिमाग में घर कर गई, वो स्कूल था, वो इंटरनेशनल थिएटर वॉज माई ब्रीडिंग ग्राउंड, फ्रॉम वेयर आई ग्रू एंड फ्रॉम वेयर मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ, वही प्रवीण भाई की बदौलत से, वही खूबसूरत लोगों की वजह से,
बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बहुत कुछ किया है मेरे लिए, बहुत सारे। मैं तो उन फूल वालों को भी सलाम करता हूँ और कहता हूँ कि भैया बहुत बहुत दुआएं आपको मिले, आपकी वजह से आज मैं बहुत दूर तक पहुंचा हूँ, बहुत कुछ पाया है मैंने। एंड यू नो, इंसान अच्छे ही होते हैं, सारे अच्छे इंसान मिले मुझे। अगर आप अच्छे हैं ना तो आपको सारे इंसान अच्छे मिलेंगे। अब बात करते हैं कि मैं टेलीविजन में कैसे आया। बात ये हुई कि मैं जब थिएटर कर रहा था तो उस वक्त कुंदन शाह और मंजुल सिन्हा मेरा एक प्ले देखने आए थे जिसका नाम था किशमिश। किशमिश देखने आए थे और उनको मेरा किरदार बहुत पसंद आया। उन्होंने कहा कि भाई बहुत अच्छा काम करते हो, ये जो है जिंदगी का डायरेक्टर हूं मैं, मेरा नाम कुंदन शाह है, तो आप काम करोगे? टॉइंग सारे एंटेनास खड़े हो गए। मैंने कहा क्या बात है, ये जो है जिंदगी में काम करने को मिल रहा है। एंड दैट वाज वन ऑफ द बेस्ट रनिंग सीरियल्स एट दैट टाइम, शफी जी, स्वरूप एंड सतीश। अब क्या बताऊं, मैं तो एकदम भौचक्का सा हो गया। मैंने कहा बहुत बहुत अच्छी बात है। इससे पहले एक और बात याद आई, मैं जो बताना चाहता हूं कि मैं फॉर्जिट हिल पे रहा करता था। आई वाज स्टेइंग ऑन फॉर्जिट हिल, और फॉर्जिट हिल जो थी ना आर्टिस्टों से भरी हुई थी। एक एक मकान में मुझे याद है सुमित सुमित बिल्डिंग है जिसमें स्मिता पाटिल रहा करती थी। फिर उन्हीं के बगल में, उनके ऑपोजिट में अलाउद्दीन साहब कुरैशी थे जो आरके स्टूडियोज के वन ऑफ द मेन साउंड इंजीनियर्स थे। फिर मेरे बिल्डिंग नंबर वन में तारक भाई मेहता रहते थे। तारक मेहता, हाँ जी, जिसका उल्टा चश्मा आज तक आप देख रहे हो टेलीविजन पे, वो रहते थे फर्स्ट फ्लोर पे बिल्डिंग नंबर वन में। फिर ज्योति भाई थे और बहुत सारे कलाकार थे। और हिल पे रहता था, हिल के नीचे उतरते ही राइट साइड पे सतीश शाह मेरे दोस्त रहा करते थे। तो सतीश और मैं जब साथ में, हम लोग ये जो है जिंदगी में जब साथ में आए तो अरे तू आ गया, अरे अब तो मजे ही मजे हैं यार। और मैं तो पहली बार सीरियल पे काम कर रहा था तो कभी कैमरा वैमरा फेस तो किया नहीं था, तो कुंदन शाह एक्शन बोलते थे उससे पहले मैं शुरू हो जाता था। और सतीश हमेशा सा रैग करता था मुझे, लेकिन उसी रैगिंग की वजह से अब मैं थोड़ा सा और स्ट्रांग हो गया हूँ। हमेशा कहता अरे उसको एक्शन तो बोलने दे, फिर तू बोलेगा ना, तू डायलॉग अभी कैसे बोल सकता है। और ऐसे धीरे 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 करते ये जो जिंदगी में कुछ आधा पेज का डायलॉग मिला था, आधा 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 पेज के डायलॉग्स थे और उसमें 3 या 4 बार ये क्या हो रहा लिखा हुआ था। अब ये क्या हो रहा है मुझे पता नहीं, मैंने किस तरह से बोल दिया कि आग लग गई। आग लग गई यानी फेमस हो गया, बहुत ऐसा फेमस हो गया कि जहां देखो वहां सब लोग जो है वो ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है बोल रहे थे। और वहां से बस मेरी फिल्मी जिंदगी शुरू हो गई, वहां से टेलीविजन भी, टेलीविजन से फिल्म्स मिलने शुरू हो गई। और मैंने सबसे पहली फिल्म की ड्यूटी, आप यकीन नहीं करोगे, उसमें मैं मेन विलन था, आई वाज द मेन विलन। हालांकि फिल्म बहुत लंबी चली नहीं, रविकांत नगायत साहब ने फिल्म डायरेक्ट की थी, गॉड रेस्ट सोल इन पीस। बहुत ही खूबसूरत इंसान थे जिन्होंने फर्स्ट डायरेक्ट की थी। और उनको मैंने पूछा कि सर मैं एज अ मेन विलन, चेहरा देखिए, शक्ल देखिए, बोले वही चेहरा शक्ल देखो, मैं तुमको तमिल वर्जन देता हूँ जिसपे हमने फिल्म बनाई है। और तमिल वर्जन जैसे मैंने ऑन किया, विलन को देखा तो माय गॉड, मैं सोच कुछ देर के लिए मैं सोचने लगा कि ये मैं तो नहीं हूँ। हूबहू मेरे ऐसा ही दिख रहा था, तो शायद रविकांत जी ने मुझे इसलिए लिया था क्योंकि मैं मेरी शक्ल उनसे मिल रही थी। हालांकि मद्रासी फिल्म में, साउथ की फिल्मों में मूछे मूछे बहुत ज्यादा होती है, उनका बस चले तो कान पे भी मूछे लगा दे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वेल, वो मेरी पहली फिल्म थी, गोविंदा जी थे उसमें, मैं था, और फिर बस फिल्मी सफर जारी हो गया। और मुझे याद है मैं गया था पेरिस, पेरिस जिंदगी में पहली बार गया था। और मैं चाहता था कि मैं अपनी सिस्टर जो लंदन में बसी हुई थी, आफ्टर शी गॉट मैरिड शी वेंट टू लंदन, तो जीजा जी और बहन के पास हुआ हूँ, तो
जिन्होंने मुझे लिया, तो मैंने कहा भैया 10,000 रुपये मिले थे उस वक्त, और 10,000 रुपये बहुत थे। आई मीन देयर वाज अ फिल्म कॉल्ड इवनिंग इन पेरिस, एंड इट वाज बेसिकली पेरिस की गलियों में हम लोग घूमते हैं। हिंदी वर्जन में मैं था और साउथ के वर्जन में सेंथिल नाम के एक कॉमेडियन थे, बहुत ही अच्छे एक्टर थे, वो कर रहे थे। तो एक लाइन वो बोलते थे, उसके बाद वो ट्रांसलेट करके हिंदी में मुझे बोलनी पड़ती थी, और बहुत ही मजा आया। लेकिन पेरिस पहली बार जिंदगी में अब्रॉड गया था मैं, और इतने सारे ठंड तो ऐसी थी, बहुत सारे कपड़े पहनने पड़ते थे, बहुत सारे। मैं तो अपने कुर्ते पैजामे पे ही सारी चीजें पहन लेता था, मेरे 3 पीस सूट सब कुछ, क्योंकि ठंड इतनी थी। और एंड द विंडचिल फैक्टर, एक हवा का झोंका आता था और दाढ़ी वाड़ी सब हिलने लग जाता था। और मुझे याद है आईफिल टावर के नीचे खड़े रहकर आईफिल टावर के बारे में बात करनी थी, और मैं ऐसे आईफिल टावर को लेता था और मेरे हाथ हिलते थे और आईफिल टावर गिर जाता था। डायरेक्टर ने बोला यार ये क्या कर रहे हो? तो मैंने कहा क्या करूं, हाथ हिल रहे हैं। तो हमारे उस वक्त के प्रोडक्शन मैनेजर थे एलन पार्ट, वो जाकर कुछ चेस्टनट्स लेकर आए, गर्मा गर्म चेस्टनट्स, और मेरे दोनों सूट के पॉकेट्स में भर दिए, और कॉन्याक ले आए। उन्हें तो सिर्फ कॉन्याक की मारो सब ठीक हो जाएगा, गर्मी ही गर्मी हो जाएगी। उनका यार कहीं ऐसा ना हो नशा वशा सब हो जाए और मैं आगे लाइनें ना बोल पाऊँ। मैं नहीं कुछ ही होगा तुम मारो यार, लगा दो सिर्फ कॉन्याक की मारी तो जो गर्मी आ गई, उसके बाद ठाक खड़ा किया, पट 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 सारा बोल गया, सब लोगों ने तालियां बजाई कि क्या बात है, क्या शॉट दिया यार तुमने। तो कॉन्याक कभी कभी सही वक्त पे सही काम कर जाता है। फिर तो फिल्मों का सफर जारी रहा, बहुत सारी फिल्में की, बहुत सारे खूबसूरत लोग मिले, बहुत सारे हीरोज के साथ काम किया। इतनी इतना मजा आया, इतना मजा आया कि यकीन कीजिए अब तक मैंने हमेशा यही सोचा है कि कुछ अच्छे काम किए होंगे मैंने या मेरे परिवार वालों ने, जो मैं इतने खूबसूरत लोगों से मिल पाया। देव साहब हैं, देव साहब थे, देव साहब से मैं मिला, फिर सारे हीरोज के साथ मैंने काम किया। अब आई डोंट नो, आई मीन मुझे मौका मिला सारे अपने जितने सारे, सलमान साहब के साथ काम किया, अजय देवगन के साथ काम किया, फिर संजय दत्त, यू नेम इट, एंड आई हैव वर्क्ड विद मोस्ट ऑफ देम, मोस्ट ऑफ देम। शाहरुख खान के साथ काम किया, शाह खान तो एक कमाल के इंसान है, इतनी एनर्जी, कितना पावर, और काम करने के लिए सब तैयार है। कोई आर्टिस्ट बेचारा ऐसा नहीं है जो नहीं चाहता काम करना, वो तो चाहता है कि और काम मिले, और काम करूं, और आप लोगों के सामने आऊं। और मैं भी यही चाहता हूं कि मैं बहुत सारा काम करूं, और बहुत सारा नाम तो भगवान की दया से सब मिल गया है, और घर भी है, बच्चे भी हैं, और बेटी जो है मेरी वो भी एक एक्ट्रेस है, बेटा जो है एक अच्छा म्यूजिशियन है, अपना म्यूजिक वीडियो तैयार करने जा रहा है। तो बहुत सारी अच्छी चीजें जिंदगी में हो रही है, और मैं सोचता हूं कि अगर मन चंगा तो कठौती में गंगा। पॉजिटिव होना, जिंदगी में पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है। आई नो वी ऑल पासिंग थ्रू वेरी बैड टाइम नाउ, हमारे बेचारे एक्टर्स, स्पेशली टेलीविजन इंडस्ट्री के एक्टर्स ऑल्सो आर गोइंग थ्रू अ लॉट, लेकिन क्या है कि ऊपर वाला कभी तो परीक्षा लेगा ना आपकी, सारी चीजें, सारी खुशियां आपकी झोली में भरता रहेगा, तो आपको उस खुशी का कोई महत्व नहीं रहेगा। तो वो चाहता है कि थोड़ा थोड़ा दे, कम कम दे, लेकिन उस खुशी का महत्व आपकी समझ में आए, इसलिए वो थोड़ा सा दुख भी दे देता है साथ में। और अगर दुख नहीं होता तो सुख की कीमत क्या होगी? ये सारी बातें अब तो बहुत सारा जहन में आ रहा है। मुझे याद है जब मैंने प्रोफेशनल प्लेस में काम करना शुरू किया था, तो हमारी फैमिली में तो ये हो गया था कि भैया ये अब ये भांड हो गया, ये नाटक क्या हो गया, ये सिर्फ अब नाटकों में काम करेगा, इसका कुछ नहीं होने वाला, यही जो 20-30-25 रुपए जो उसको शो के मिलते हैं उसी में उसका चलेगा, और ना ही कोई इसे लड़की देगा शादी करने के लिए, ना ही कुछ इसका हो पाएगा। आई वॉज रिटन ऑफ, आई वॉज टोटली रिटन ऑफ। और उस दरमियान मुझे याद है मैं एक प्ले कर रहा था, लेडी लाल कुंवर, यस लेडी लाल कुंवर। तो डैड, मेरे पिताजी डॉक्टर थे, फिजिशियन थे, जनरल फिजिशियन थे, उन्होंने मेरा प्ले कभी देखा नहीं था। मैं हमेशा माँ को आके पूरी कहानी बता देता था, और मम्मी आती थी फर्स्ट शो में देखती थी,
लेकिन डैडी कभी नहीं आते थे। अरे क्या देखना, अब ये नाटक वाटक नाटक चेतक करता है, क्या देखना। उनको खराब लग रहा था कि मैं डॉक्टर नहीं बन पाया। लेकिन फिर वो मॉर्निंग वॉक्स के लिए हैंगिंग गार्डन पे जाया करते थे, और वहां पे किसी ने बताया, किसी ने पूछा उनको कि भैया ये टीकू तलसानिया कौन है। उनका क्यों, क्या बात है। उनको ऐसे डर बैठ गया कि कहीं कोई कांड तो नहीं करके आया। उन्होंने पूछा कि ये टीकू तलसानिया कौन है, आप जानते हैं। बोले हाँ जानता हूँ, लेकिन है क्या। बोले कमाल कैरेक्टर है, उसका प्ले हमने देखा संडे को, लेडी लाल कुंवर है। अगर वो आपके रिश्तेदारी में लगता है तो प्लीज आप उसको बताइए कि बहुत अच्छा काम किया उसने लेडी लाल कुंवर में। तब माई फादर वॉज फुल ऑफ प्राइड, ऐसे यू नो इतने खुश हो गए थे वो कि उन्होंने कहा कि वो मेरा बेटा है। और आई यू नो आज भी जब सोचता हूं तो आंखें भर आती है, और ये गले में है ना थोड़ा सा नॉट बन जाता है। तो घर आए जलेबी और फाफड़ा लेकर, हमारा स्टेपल डाइट है जलेबी फाफड़ा। तो उन्होंने मुझे उठाया, बोले उठो, क्या हुआ आज, क्या बात है, क्यों कुछ गलती हुई। बोले नहीं नहीं गलती कुछ नहीं हुई, ये तेरा शो कब है। संडे को है, ठीक है मेरे लिए एक टिकट खरीदना, मैं आऊंगा देखने के लिए। बोला क्या बात है, हाँ मेरा प्ले देखने आ रहे। हाँ तुम्हारा प्ले देखने आ रहा हूँ, तुम्हारी तारीफ सुनी है, बहुत अच्छा काम किया है। आज पहली बार मुझे बताना पड़ा कि टीकू तलसानिया मेरा बेटा है, और मेरे लिए इससे बड़ी बात थी। और वाकई में वो कहीं ऊपर से आशीर्वाद दे रहे हैं मुझे, और जो चल रहा है यही चल रहा है, उन्हीं के आशीर्वाद से, उन्हीं के दया धर्म से। आई मीन आई फील कि उनके अच्छे कर्मों से, यू नो माँ बाप तो माँ बाप है और वो तो दुआ देते ही रहते हैं। तो ये एक वाक्य था जो मेरी जिंदगी में मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। एंड थिएटर के सिलसिले के साथ फिर मेरी फिल्में जब शुरू हुई, और जब मैंने अपना खुद का घर खरीदा, ओह दैट वाज समथिंग फैंटास्टिक। शादी करके घर पे आया तो एक बार ऐसे ही मैंने कहा गिनो तो सही पैसे कितने हुए हमारे पास, तो पता चला कि 2 लाख रुपए है। 2 लाख रुपए उस जमाने में बहुत हुआ कर। तो बीवी ने कहा कि चलो ना अपना घर खरीदते हैं, और उस वक्त घर जो है 4.5-5 लाख रुपए में मिल जाता था सबर्ब्स में आओ तो। वहां तो बहुत महंगा था जहाँ हम रहते थे, पॉजिट हिल और वो साइड तो बहुत महंगा था। तो चलो घर खरीदते हैं, और सोचा कि घर खरीद, और वहां पे वो हर्षद मेहता मीन्स मेरे जो 2 लाख रुपए थे वो सारे शेयर्स में इन्वेस्टेड थे, और हम तो वही कैलकुलेट करते ना कि 10 रुपए का लिया था, अब भाव जो है उसका 650 है, तो 100 शेयर्स हैं तो कितने सारे पैसे हो गए। और ऐसे ही करते करते हमने 2 लाख रुपए जोड़े थे। और उन्हीं दिनों हर्षद मेहता का स्कैम हो गया। लेकिन कहते हैं ना कि दोस्तों ने मदद की, हर एक से 25-25 हजार रुपए लिए, पैसे जोड़े और वो घर मैंने खरीदा। तो इस तरह से जिंदगी आगे बढ़ती गई, और पहला घर खरीदा, पहली गाड़ी खरीदी, बच्चे हुए, और थिएटर में बीवी और मैं जो है वो एक ही साथ काम करते थे। अब ये भी एक कमाल का वाक्य हुआ कि एक प्ले में हम लोग मिले, प्यार इश्क इश्क प्यार प्यार हो गया। उस वक्त तो काफी दिल फेंक थे हम। उन्होंने उनको मुझ में कुछ अच्छाइयाँ दिखाई दी, और मुझे तो उनमें अच्छाइयाँ ही अच्छाइयाँ दिखाई दी। प्यार व्यार हो गया, और मैंने कहा कि अब अपने माँ बाप को कब बताते हैं, तो मैं आता हूँ और मैं उनसे बात करूँगा। तो कहा कि नहीं थोड़ा सा वक्त दो यार मुझे, ऐसी बातें यू नो। और शो के बाद हर रोज शाम को, शो के बाद रात को मैं हमेशा अपनी स्कूटी पे लेकर उनको उनके घर छोड़ दिया करता था। तो एक बार उनके पिताजी ने मुझे देख लिया, उन्होंने पूछा उनसे कि भैया ये कौन है जो हर रोज रात को आपको छोड़ने आता है। और मेरी एक आदत थी, मैं उन्हें कहता था कि जाओ घर में जाओ और फ्रिज में ठंडे से ठंडा पानी लेकर आओ। वो ले आती थी और पीता था। पानी पीने के बाद मैं अपने रास्ते वो घर में चली जाती थी। अब एक दिन ऐसा हुआ कि उनका फ्रिज पूरा खाली था,
वहां एक कनस्तर था जिसमें पानी पड़ा हुआ था, तो वो कनस्तर लेकर आ गई, बोले इफ यू डोंट माइंड, ये कनस्तर ही बोला, बाकी बोतलें सारी खाली है। मन का कोई बात नहीं, कनस्तर भर के वो पानी पी गया, मैं प्यास लगी थी। दूसरे दिन सुबह उनके घर में बवाल हो गया, माता जी उठी, उन्होंने कहा अरे ये गंगा जल कौन पी गया, उस कनस्तर में गंगा जल था जो मैं सारा पी गया। मैं उस वक्त से लेकर आज तक सारे पाप धुल गए। हालांकि मेरे फादर इन लॉ बहुत ही अच्छे इंसान थे, गॉड रेस्ट हिज सोल इन पीस, बहुत ही खूबसूरत इंसान थे। उन्होंने जब पहली बार मैं उनसे मिला तो बहुत, उन्होंने पूछा इनकम टैक्स भरते हो, और मैं अभी तो नहीं भरता हूँ लेकिन भर लूंगा, बहुत जल्द आके भर लूंगा, बहुत जल्द भर लूंगा, जैसे कोई बिल बिल भरना था ऐसे बोल रहा था। है जिंदगी इसी तरह चलती रही और चलती रहेगी, और अभी तो बहुत कारवा जुड़ता गया, बस बहुत लंबा चलना है, बहुत लंबे जाना है, बहुत दूर तक जाना है। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स फॉर बेयरिंग विथ ऑल दीज इंटरप्शंस एंड टू हियर मी आउट, एंड माय कहानियां तो बहुत सारी हैं। फिर किसी दिन फिर मिलेंगे, तब तक प्लीज टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, खुश रहिए, आबाद रहिए।